हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर फार्मास्यूटिक्स के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। इसमें हम लोग देखेंगे कि आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस हमारे क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ आइसोटॉनिसिटी एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, इसके कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम आइसोटॉनिसिटी को मेंटेन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, और इसमें डिटेल में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महेंद्रताप सिंह, चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो आइसो का मतलब होता है इक्वल। अगर कोई दो सॉल्यूशन हमारे पास ऐसे हैं जिनकी जो टोनिसिटी है वो इक्वल है तो हम उनको आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। तो अगर हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन, द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसो ऑस्मोटिक आर आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस। तो अगर कोई हमारे पास दो सॉल्यूशन है और उनका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है तो उनको हम आइसो ऑस्मोटिक या आइसोटॉनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें जो चीजें डिसॉल्व हैं उनके ऊपर उनका ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है। तो यहां पे जो हमारा वो बेसिक एम है वो ये है कि हमको अपने सॉल्यूशन को आइसो ऑस्मोटिक बनाना है विद द ब्लड प्लाज्मा, या हम कह सकते हैं लैक्रिमल वो सिक्रीशन जो हमारा है उसके आइसो ऑस्मोटिक हमें प्रिपेयर करना है। तो यहां पे हम जो है वो बेसिकली बात कर रहे हैं जो भी हमारे इंजेक्टेबल वो प्रिपरेशन है और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है उनको हमको आइसोटॉनिक बनाना होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है और उनका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है तो उनको हम आइसोटॉनिक कहेंगे, मींस उनके अंदर जो कंटेंट है वो इक्वल है और इसके कारण जो भी जो ट्रांसफर हो रहा है आप कह सकते हैं किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो जो ट्रांसफर है अगर वो इक्वल है तो उसको हम कहेंगे आइसोटॉनिक जो है सॉल्यूशन। और इस वीडियो में आगे हम लोग इनके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर कोई हमारे पास आरबीसी है और उसको हम सस्पेंड कर देते हैं एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जो आइसोटॉनिक है हमारे ब्लड प्लाज्मा के, तो उस कंडीशन में जो हमारी आरबीसी है वो अब ना तो स्वेल होगी और ना ही श्रिंक होगी, अपना शेप मेंटेन रखेगी और उसके फंक्शन में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो वो जैसे हम वो लेते हैं किशमिश को ले और उसको हम डाल दें आप कह सकते हैं पानी के अंदर और उसको एक रात के लिए अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारी किशमिश फूल जाती हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा वाटर है वो जो किशमिश की आउटसाइड की मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके उसके अंदर जाता है, और अगर उसी फूली हुई किशमिश को हम एक ऐसे पानी में डालें जिसमें हमने थोड़ा सा NaCl वो नमक घोल रखा है तो क्या होगा कि हमारी जो किशमिश है वो फिर से श्रिंक हो जाएगी और उसमें से जो हमारा वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। हाँ, तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि अगर जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है उसके आइसोटॉनिक हमारा अगर हमने प्रिपेयर किया है सोल्यूशन और उसमें अगर जो हमारी आरबीसी जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में है अगर ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो उस कंडीशन में अगर ये एक दूसरे से आइसोटॉनिक है तो हमारी आरबीसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द पैरेंट्रल एंड ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन नीड टू एडजस्टमेंट टू आइसोटॉनिसिटी आर आइसो ऑस्मोटिसिटी। तो जो हमारी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होती हैं या जो हमारी पेरेंटल प्रिपरेशन है वहाँ पे हमें इसको एडजस्ट करने की आवश्यकता होती है। अगर जो हमारा सॉल्यूशन है वो अगर आइसोटॉनिक नहीं है तो उसको हम कहते हैं पैराटॉनिक, और ये दो प्रकार के होते हैं, हैव ग्रेटर प्रेशर, अगर हमारे जो सॉल्यूशन है उसका प्रेशर अगर ज़्यादा है तो वो कहलाता है हाइपरटॉनिक, और अगर हमारा जो सॉल्यूशन है उसका जो प्रेशर है वो अगर कम है तो उस कंडीशन में वो हाइपोटॉनिक कहलाता है। अगर हम जो है बात करते हैं कि जो हमारा मेन वो कंट्रीब्यूशन है ऑस्मोटिक प्रेशर में, तो वो जो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट लाइक जो हमारा ब्लड है उसके अंदर जो है NaCl है वो इसके लिए बेसिकली जो है रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। और अगर हम इस कंडीशन में देखें तो जो हमारा ब्लड है उसके अंदर 0.88 जो ही परसेंटेज इनऑर्गेनिक साल्ट या NaCl होता है। तो अगर कोई हम ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं वो जिसमें जो हमारा NaCl है उसकी कंसंट्रेशन इसके बराबर है या इसके आसपास है तो वो हमारा सॉल्यूशन आइसोटॉनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इस कंडीशन में हम इस चीज को कह सकते हैं कि
A solution containing 0.9% NaCl is practically isotonic with the blood plasma. तो कोई हमारा अगर ऐसा solution है जिसके अंदर 0.9% जो है NaCl है तो वो practically isotonic कहलाता है हमारे blood plasma के. A solution containing more than 0.9% NaCl, अगर कोई हमारा solution ऐसा है जिसमें 0.9% NaCl से ज़्यादा है तो वो hypertonic कहलाता है, और उसके अंदर अगर हम RBC को suspend करते हैं तो वो shrink होती हैं, वो आप कह सकते हैं पिचकती हैं, अपने हर shape को contract करती हैं. और अगर जो हमारा NaCl है उसकी concentration अगर कम है हमारे solution के अंदर तो वो कहलाता है hypotonic. और इसमें जब हम अपनी RBC को सस्पेंड करते हैं तो वो स्वेल होती हैं, फूलती हैं, और अगर हम इसको ज़्यादा टाइम तक के लिए इस कंडीशन को रखते हैं तो उस कंडीशन में हमारी RBC ब्लास्ट भी हो सकती हैं, हीमोलिसिस भी हो सकती है. अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ टोनिसिटी के बारे में. तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द IV इंजेक्शन, ये क्या है, इंट्रावेनस जो इंजेक्शन हमारे होते हैं जो हमारे वेंस में लगते हैं, ये इनकी जो आइसोटोनिसिटी है वो हमें रिक्वायर्ड होती है मेंटेन करने के लिए हमारे ब्लड प्लाज्मा के. तो जो हमारे IV इंजेक्शन है उसमें हमें आइसोटोनिसिटी मेंटेन करनी पड़ती है. अगर हम बात करते हैं अबाउट द SC इंजेक्शन, ये क्या है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन. तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो आइसोटोनिसिटी है वो हम मेंटेन भी कर सकते हैं और ये उतनी इसेंशियल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इंजेक्शन है उसको हम सीधे ब्लड में न इंजेक्ट करके फैटी जो टिश्यू है वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे आइसोटोनिसिटी हम मेंटेन भी कर सकते हैं, और अगर हमने मेंटेन नहीं भी की है तो कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद में है हमारा तीसरा, ये है IM इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन. तो अगर हम IM की बात करते हैं तो यहाँ पे हम हल्का सा हाइपरटॉनिक वो सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं. तो इसको जब हम प्रिपेयर करते हैं ये प्रमोट करता है रैपिड एब्जॉर्प्शन को. तो ये अगर हम हल्का सा हाइपर वो टॉनिक वो सोल्यूशन IM के लिए प्रिपेयर करेंगे तो हमारा एब्जॉर्प्शन का रेट अच्छा होगा. उसके बाद में है हमारा इंट्राक्यूटेनियस. तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो हमारे इंट्राक्यूटेनियस हैं इनको हम अधिकतर यूज़ करते हैं फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस. तो अगर इस कंडीशन में हमें आइसोटोनिसिटी मेंटेन करनी होती है, और यह इसको जब हम मेंटेन करते हैं, हम इसलिए मेंटेन करते हैं कि जो भी हम डायग्नोसिस कर रहे हैं, वो जो भी हम जांच कर रहे हैं, वहाँ पे जो हमारी रीडिंग है वो गलत ना आए, इसके लिए हमें यहाँ पे टोनिसिटी मेंटेन करना पड़ता है. उसके बाद हमारा अगला है, दैट इज कॉल्ड द इंट्राथीकल इंजेक्शन. तो अगर हम बात करते हैं इंट्राथीकल की, तो ये वो इंजेक्शन होते हैं जो कि हम अपने स्पाइनल कॉर्ड में या हम कह सकते हैं CSF में अप्लाई करते हैं. तो इस प्लेस पे भी आइसोटोनिसिटी हमको मेंटेन करना होता है, क्योंकि जो हमारा CSF है इसको हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड, और इसकी जो जो आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन होती, मात्रा होती है वो हमारे स्पाइनल कार्ड में 60-80 ml के आसपास होती है. अगर हमने यहाँ पे अगर आइसोटोनिसिटी मेंटेन नहीं किया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमको जो पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है वॉमिटिंग और साइड इफेक्ट उसके अंदर हो सकते हैं. तो इनको अवॉइड करने के लिए अगर हमारा इंजेक्शन इंट्राथीकल है तो वहाँ पे हमें टोनिसिटी को मेंटेन करना चाहिए. अगर हम कोई प्रिपेयर कर रहे हैं वो नज़ल ड्रॉप, तो उस कंडीशन में भी हमको उसकी आइसोटोनिसिटी मेंटेन करनी चाहिए, वो नहीं तो हमें वहाँ पे अपने नाक के अंदर इरिटेशन जो है देखने को प्राप्त होगा, या पेशेंट के अंदर इरिटेशन जो है उसकी नाक में हो सकता है अगर टोनिसिटी मेंटेन नहीं होगी तो. उसके बाद में हमारा जो आई ड्रॉप है और जो हमारे आई लोशन है, तो अगर हम बात करते हैं आई लोशन की, तो वहाँ पे आइसोटोनिसिटी हमें मेंटेन करनी होती है विद द लैक्रिमल सिक्रीशन. जो हमारे आँखों का आंसू होता है उसको हम बोलते हैं लैक्रिमल सिक्रीशन. तो वहाँ पे हमें आइसोटोनिसिटी मेंटेन करनी होती है, क्योंकि जो हमारे लोशन है वो जो है अधिक क्वांटिटी में और काफ़ी ज़्यादा समय तक आँखों के कॉन्टैक्ट में रहते हैं. बट अगर हम बात करते हैं अबाउट द आई ड्रॉप, तो उस कंडीशन में अगर हम आइसोटोनिसिटी मेंटेन नहीं करते हैं, या इस कंडीशन में कर भी सकते हैं लेकिन ये इसेंशियल नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ पे काफ़ी कम अमाउंट अपनी आँख में आई ड्रॉप को यूज़ करते हैं, तो उसमें हल्का फुल्का इरिटेशन होगा लेकिन कोई ज़्यादा उसका दुष्प्रभाव हमें देखने को प्राप्त नहीं होगा.
अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द कैलकुलेशन फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम दो मेथड्स को यूज करते हैं। जो हमारा पहला मेथड है दैट इज कॉल्ड बेस्ड ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट मेथड। बात करते हैं फार्मूले के बारे में, तो इसका जो हमारा फार्मूला है वो दैट इज अ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस नीडेड इज इक्वल टू 0.52 माइनस ए अपॉन बी। तो यहाँ पे जो हमारा ए है वो क्या है, ए इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अनएडजस्टेड सॉल्यूशन, और जो हमारा बी है वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, इसमें आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा। पहला है हमारा अनएडजस्टेड, इसका मतलब होता है जिसकी क्वांटिटी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और जो हमारा होता है एडजस्टिंग, ये वो सब्सटेंस होता है जिसकी क्वांटिटी को हम चेंज करते हैं। लाइक जो हमारा NaCl है उससे हम आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करते हैं, तो वो हमारा कहलाएगा एडजस्टिंग। तो जो हमारा B है ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द NaCl, या और जो हमारा A है ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द ड्रग। हाँ, तो अभी हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको और क्लियर करेंगे। जो हमारा दूसरा मेथड है दैट इज कॉल्ड बेस्ड ऑन मॉलिकुलर कंसंट्रेशन। तो अगर इसके फार्मूले को देखें, हाँ, द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस नीडेड इज इक्वल टू 0.03 एम अपॉन एन। तो यहाँ पे एम क्या है, ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, एंड एन इज द नंबर ऑफ आयंस इनटू व्हिच द सब्सटेंस इज आयोनाइज। तो इस प्लेस पे अगर हम इन दोनों मेथड्स को देखें, तो हल ड्रग है, अगर उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम है तो उस कंडीशन में हम बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड को यूज़ करते हैं, और अगर जो हमारी ड्रग है उसकी क्वांटिटी वो काफ़ी वो ज़्यादा है या उसी से हमें अपने इंजेक्शन को प्रिपेयर करना है, तो उस कंडीशन में हम इस वाले फार्मूले बेस्ड ऑन द मॉलिकुलर कंसंट्रेशन वाले फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। हाँ, तो ये है हमारा पहला एग्जाम्पल, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू मेक ए 1% सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड आइसोटॉनिक विद ब्लड प्लाज्मा। तो यहाँ पे दो सब्सटेंस हैं, पहला है हमारा सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, ये है एडजस्टिंग सब्सटेंस, और अगर हम बात करते हैं अबाउट द बोरिक एसिड तो ये क्या है, ये हमारी ड्रग है और इसको हम कहेंगे अनएडजस्टेड सब्सटेंस। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। पहली चीज़ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, ये क्या है, 0.288 डिग्री सेंटीग्रेड, और द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ द NaCl, और ये क्या है, 0.576 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हम अपने पहले फार्मूले को बेस्ड ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट वाले फार्मूले को यूज करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0.52 माइनस ए, ए क्या है 0.288 और अपॉन बी, और बी क्या है 0.576। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 0.402 परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, या हम इसको कह सकते हैं 0.402 ग्राम पर 100 ml अगर हम NaCl को लेते हैं और उसका 1% का हम प्रिपेयर करते हैं, बोरिक एसिड का सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो वो आइसोटॉनिक होगा हमारे ब्लड प्लाज्मा के। अब हम लोग अगले एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं, ये है हमारा फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू मेक 1.5% सॉल्यूशन ऑफ कोकेन हाइड्रोक्लोराइड आइसोटॉनिक विद द ब्लड प्लाज्मा। तो जो हमारा क्वेश्चन है, एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में हमें हो सकता है कि NaCl का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हो, या हो सकता है NaCl का हमें फ्रीजिंग पॉइंट ना दिया हो, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। NaCl का फ्रीजिंग पॉइंट 1% वेट बाय वॉल्यूम जो हमारा सोल्यूशन है उसका होता है 0.576 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे NaCl का वो नहीं दिया गया है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट हमें दिया गया है 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ कोकेन हाइड्रोक्लोराइड इज 0.09 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमें प्रिपेयर कितना करना है 1.5%, और फ्रीजिंग पॉइंट हमें 1% का दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी फार्मूले को यूज करेंगे,
तो इस कंडीशन में द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0.52 माइनस ए। ए क्या है, 1% जो हमारा कोकेन हाइड्रोक्लोराइड है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0.09 इंटू प्रिपेयर करना है हमें 1.5%, तो यहाँ पे हम 1.5% से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद में अपॉन 0.576। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, 0.668% वेट बाई वॉल्यूम, या हम इसको कह सकते हैं 0.668 ग्राम पर 100 ml अगर हम जो है लेते हैं और उसका एक 1.5% का कोकेन हाइड्रोक्लोराइड का हम सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो वो होगा हमारा आइसोटॉनिक विद द ब्लड प्लाज्मा। हाँ, तो एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मैं और क्लियर कर दूँ कि वो जैसे कि हमने इन जो हमारे क्वेश्चन है एग्जांपल है इसमें हमने देखा कि जो हमारा अनएडजस्टेड वो सब्सटेंस था, ड्रग थी, वो केवल हमने एक लिया था। अगर ये एक से अधिक है तो सिंपली हमें उसकी जो वैल्यू है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उनको आपस में ऐड कर देना है और उसकी वैल्यू हमें ए के साथ में पुट कर देंगे तो जो हमारा होगा फार्मूला उसमें हमको इसको मतलब पुट करना है वो 0.52 माइनस ए अपॉन बी, तो और उससे हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो वहां पे भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ए में ही आपके जितने भी ड्रग हैं उनका फ्रीजिंग पॉइंट ऐड करके वहां पे आपको ए के प्लेस पे लिखना है। अगला एग्जांपल है हमारा, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए सोल्यूशन ऑफ आइसोटॉनिक विद द ब्लड प्लाज्मा। तो यहाँ पे केवल हमको एक प्रिपेयर करना है, NaCl का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो अगर हम अपने दूसरे मेथड को यूज करते हैं बेस्ड ऑन द मॉलिकुलर कंसंट्रेशन, तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा NaCl है उसका जो मॉलिकुलर वेट है वो कितना होता है, 58.5 जो होता है, और अगर हम बात करते हैं NaCl की तो ये आयोनाइज होता है दो आयन्स में, Na आयन और Cl आयन में, तो यहाँ पे N की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। तो जो हमारा फार्मूला है वो W इज इक्वल टू 0.03 m अपॉन n। तो यहाँ पे m क्या था, ये था मॉलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, n क्या था कितने नंबर्स में वो आयोनाइज होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 0.03 इंटू जो हमारा NaCl है उसका मॉलिकुलर वेट 58.5 है और ये दो आयन्स में आयोनाइज होता है, n की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.88% वेट बाई वॉल्यूम, या हम इसको कह सकते हैं 0.88 ग्राम पर 100 ml अगर हम NaCl का सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो वो होगा आइसोऑस्मोटिक विद द ब्लड प्लाज्मा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले एग्जांपल के बारे में, ये है हमारा, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ डेक्सट्रोज नीडेड टू फॉर्म ए सोल्यूशन आइसोऑस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डेक्सट्रोज के मॉलिकुलर वेट की तो वो होता है हमारा 180। डेक्सट्रोज एक नॉन आयोनाइजिंग सब्सटेंस है, ये आयंस में नहीं टूटता है, तो इसमें n की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। तो जो हमारा फार्मूला है W इज इक्वल टू 0.03 m अपॉन n, और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जब हम इसको रखेंगे वैल्यू तो क्या होगा, 0.03 इंटू 180 जो कि मॉलिकुलर वेट है डेक्सट्रोज का और ये एक आयन में आयनाइज होता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, 5.4% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ द डेक्सट्रोज, या हम कह सकते हैं कि 5.4 ग्राम डेक्सट्रोज अगर हम जो है 100 ml में डिजॉल्व करते हैं, प्यूरिफाइड वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो जो हमारा सोल्यूशन प्रिपेयर होगा वो आइसोऑस्मोटिक होगा हमारे ब्लड प्लाज्मा के। ओके फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आइसोटॉनिक सोल्यूशंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे किस तरह से सॉल्व करने हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।